एक्चुअली जब आप डेलीगेट नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा ट्रबल आएगी एज़ कम्पेयर टू डेलीगेटिंग थिंग्स। जब आप डेलीगेट कर लेंगे, एक टाइम स्पेसिफिक कर देंगे चीज़ को कि इस टाइम फ्रेम में मैंने ये काम करना है, इसके अलावा मैंने इस काम को नहीं करना, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर कट आपके पास आइडिया होगा कि क्या करने की ज़रूरत है और कब कब करने की ज़रूरत। डेलीगेशन का मतलब है कि डिवाइड कर देना, डेलीगेट कर देना। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेड हैं किसी कंपनी के, तो आप आगे काम डेलीगेट कर देते हैं ना, सारा काम आप खुद नहीं करते। टाइम लगता है डेलीगेट करने में, देखना पड़ता है कि किसको कौन सा काम देना है, क्या करना है, केपेबल भी है, कर भी सकता है, एक्सपर्टीज है उसकी इस चीज़ में या नहीं है, उसके बाद ही हम डेलीगेट करते हैं ना। बट एक्चुअली में जब डेलीगेट हो जाता है टाइम या काम डेलीगेट हो जाता है, तो इट्स अ लॉट ईजियर, थिंग्स गेट डन अ लॉट स्मूदर। ठीक। स्केड्यूल योर हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ योर एनर्जी लेवल्स, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल्स। यस, समटाइम्स अगर आप छोटे छोटे टास्क पहले कर लेंगे, इट गिव्स यू मोर टाइम टू फोकस ऑन द हार्डर टास्क। अक्सर बात ऐसे होते हैं कि ईजीएस्ट टास्क पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि टाइम फिर हमारे पास ज़्यादा बच जाता है। ईजी टास्क हम जल्दी कर लेंगे और फिर हम हार्ड टास्क पर अपनी फुल अटेंशन और एनर्जी फोकस कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर योर प्रायोरिटीज़। इट्स ऑल अबाउट डूइंग एज मैनी टास्क एज पॉसिबल। तो लेस इज़ मोर बेसिकली, कम चीज़ पे फोकस करें लेकिन उसको फुल का उसके साथ करें, एनर्जी के साथ करें और फुल क्वालिटी, यानी कि उसके अंदर क्वालिटी डालें काम के अंदर। यू नीड अ डिटेल्ड टास्क लिस्ट टू प्रॉपरली मैनेज योर टाइम। डिटेल्ड नहीं चाहिए बिल्कुल, यू जस्ट नीड टू लिस्ट डाउन कि ये है, और फिर उसके अंदर बस टाइम फ्रेम्स लगा देने चाहिए। आई वर्क बेस्ट अंडर प्रेशर। प्रोडक्टिविटी हाई तो होती है कुछ देर के लिए, लेकिन उसका एक्सपेंस क्या होता है मिस? यू डोंट स्लीप ड्यूरिंग द नाइट ना भाई। अगर आप पूरी रात अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अनरेस्टेड होंगे। अक्सर का ऐसे होता है अगले दिन सुबह उठा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से जाते हैं एग्जाम में, पढ़ा भी हो ना तो ब्लैंक आउट हो जाते हैं। इट वर्क्स के असाइनमेंट्स आप कर लें तो ठीक है, बट इफ़ यू डूइंग एग्जाम्स तो शायद मुश्किल हो। असाइनमेंट्स के लिए भी रिकमेंडेड है कि पहले से करें, जब मिल जाए असाइनमेंट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, थोड़ा थोड़ा एवरी डे। ज़रूरी नहीं है, अक्सर का यूनिवर्सिटीज़ में तो एक हफ्ते की डेडलाइन दी जाती है, सो यू कैन वर्क ऑन इट एवरी सिंगल डे। इवेंचुअली डेडलाइन पे आप आराम से उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके सबमिट करा सकते हैं। सिमिलरली यही है कि अंडर प्रेशर काम नहीं करना, यही तो चीज़ कि आपने ईजी होके रिलैक्सड होके काम करना है। तो जब काम आए स्टार्ट वर्किंग ऑन इट थोड़ा थोड़ा एवरी सिंगल डे, इवेंचुअली आप उसको अच्छे तरीके से करके तो सबमिट करा देंगे काम को, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ फॉर द लास्ट मिनट। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑलवेज बैड। इट इज़ बैड यस, बट हर दफ़ा नहीं होती कि चीज़ को अगले पे छोड़ते चले जाना कि कल कर लूँगा, फिर कल आती है तो फिर कहेंगे उससे अगले दिन कर लूँगा, तो चीज़ को डिले करते जाना एंड तक। मल्टीटास्किंग नहीं होती, अक्सर का जब आप फ़ोन यूज़ करें डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, खाना जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। गाड़ी चलाते हुए अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो तब चांसेस हैं कि इंक्रीज़ हो जाते हैं चांसेस एक्सीडेंट्स होने के। तो मल्टीटास्किंग लगता तो बहुत कूल है कि हम एक टाइम पे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि फिर अगर हम कर रहे हैं मल्टीटास्किंग, फिर हम दोनों चीज़ों को अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं, वह हो नहीं सकता बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हम अनडिवाइडेड अटेंशन दो चीज़ों का एट अ सिंगल टाइम नहीं दे सकते, हम एक चीज़ को एक टाइम पे फुल अटेंशन दे सकते हैं। अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन एक चीज़ को हम वन एट अ टाइम दे सकते हैं, दो चीज़ों को इकट्ठे नहीं दे सकते। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हमारा ब्रेन ऐसे करे। तो टाइम मैनेजमेंट के आपको क्या लगता है, क्या स्किल्स होंगी? क्योंकि ये एग्जेक्टिव स्किल जो है ये टाइम मैनेजमेंट का स्किल है, तो कैसे कर सकते हैं हम अपने टाइम को मैनेज? देख लेते हैं हम क्या मैनेजमेंट स्किल्स हैं टाइम के। टिप्स टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली, सबसे पहले तो ये है कि प्लान अहेड। क्यों ज़रूरी है टू प्लान अहेड? ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, इसमें हम कंटिंजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं। किस किस को आइडिया है जो बिजनेस रिलेटेड है, उनको पता होगा कंटिंजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है। आप विदाउट लिस्ट विदाउट प्लानिंग किसी चीज़ में चले जाएंगे तो अक्सर बात ऐसे होते हैं यू फॉरगेट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, फिर घर आके याद आता है कि वो चीज़ रह गई थी लेके आने वाली या वो चीज़ रह गई थी। पूरे दिन में आपने कोई काम करने हैं लेकिन आपने लिस्ट डाउन नहीं किया या आपने प्लान नहीं किया कि पूरे दिन को कैसे मैनेज करना है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लान किया है कि किसी से मिलना था इस टाइम पे और उसके थोड़ी देर बाद आपने ये काम करना था, अब वो जिससे मिलना है उसने आपको कैंसिल कर दिया है,
तो अगर आपने प्लान अहेड किया होगा, तो अगर आपके पास कोई और स्लॉट फ्री होगी, तो आप उनसे कहेंगे कि उस दौरान आपसे मिल लूंगा मैं, या स्विच कर लेंगे किसी काम को, कि इस काम को इस काम के साथ स्विच कर लेते हैं, तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, इफेक्टिवली आप टाइम को मैनेज करना शुरू कर देंगे उस चीज़ को. तो प्लानिंग अहेड बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग द नाइट बिफोर या अर्ली मॉर्निंग प्लानिंग, कि सुबह उठ के प्लान करना कि मैं पूरे दिन में क्या करना है, या एक रात पहले. अक्सर होता है कि जब संडेज आते हैं, तो संडेज को जो लोग काम कर रहे होते हैं थ्रू आउट द वीक, वो पूरा प्लान करते रहते हैं कि संडे को ये काम करना है. अब घर में अगर एक गाड़ी अवेलेबल है, ये दो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, तो आप रात को ही सबके साथ बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं कि ये गाड़ी तुम ले जाना, ये काम कराना, फिर मुझे यहाँ से पिक कर लेना, फिर हम ये काम कर लेंगे. तो वो पहले से प्लानिंग की होती है, तो सारी चीज़ें स्मूथली रन करती हैं, वरना फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, वरना किसी का कोई काम रह जाएगा, किसी का कोई काम रह जाएगा. यहाँ पे कौन कौन होता है प्लान अहेड अपने दिन का, रात को या सुबह उठते साथ ही? प्लान कुछ भी नहीं किया और हम रोड ट्रिप पे चले गए, रास्ते में पता लगे रास्ते बंद हैं, अब कोई जगह रहने के लिए नहीं है, हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, हमने चीज़ें नहीं रखी हुई जो हम यूज़ कर सकें टू स्लीप इन या टू स्पेंड द नाइट इन. यही अगर हमने पहले से प्लान किया होता कि ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वेदर विंडो ये है, तो हम आराम से कर सकते थे. अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी माउंटेनियर्स की, जो क्लाइम करते हैं माउंटेंस जो क्लाइम करते हैं, जैसे K2 एवरेस्ट, वो प्लान करते हैं, वो एक समिट विंडो ढूंढते हैं कि उस दौरान वेदर बहुत अच्छा होगा, हम सेफली समिट करके वापस आ जाएंगे. यही अगर उन्होंने प्लान ना किया हो और वो ऐसे ही चले जाएं विदाउट प्लानिंग, जो रुकी क्लाइंबर्स होते हैं या जो रुकी माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहली पहली दफ़ा इस चीज़ में आते हैं, वो प्लान किए बगैर चले जाते हैं. और जब वो प्लान नहीं करते, वो नहीं देखते कि एवलॉन्च का रिस्क है, या वो नहीं देखते कि स्टॉर्म आ सकता है, तो अनफॉर्चुनेटली दे लूज देयर लाइव्स. समटाइम्स दे डोंट कम बैक, अनफॉर्चुनेटली दे लूज देयर लाइव्स. ऊपर जाके वापस नहीं आ पाते, दे गेट कॉट इन एन एवलॉन्च और समथिंग, टूल्स नहीं होते उनके पास. तो हर चीज़ रिक्वायर करती है एक प्रॉपर प्लानिंग. बिजनेस भी जब स्टार्ट करना हो तो एक प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर करती है ना, कि कहाँ से फंड्स इकट्ठे करने हैं, किस किस को क्या कुछ डेलीगेट करना है, क्या हमारी मिशन स्टेटमेंट है, क्या हमारा मोटो होगा, हमने कैसे मार्केट करना है प्रोडक्ट को, क्या करना है. तो ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करके जाते हैं ना, बिजनेसेस या चीज़ें ऐसे तो नहीं चलती. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अहेड. तो प्लान अहेड करते हैं या अर्ली मॉर्निंग प्लानिंग करते हैं कि अब मैंने पूरा दिन कैसे गुजारना है और क्या क्या करना है. जो नेक्स्ट स्किल है वो ये है कि प्रायोरिटाइज वाइजली. प्रायोरिटाइज का क्या मतलब होता है, ये कौन सी हैबिट से निकला हुआ है प्रायोरिटाइज वाइजली? जो 7 हैबिट्स हैं, कौन सी हैबिट से ये चीज़ आई हुई है? पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि जो करने वाले काम हैं वो पहले करने हैं, प्रायोरिटाइज कर लेना है कि आज के दिन में ये चीज़ टॉप प्रायोरिटी है, ये करना बहुत लाजमी है, इसको करना है, इसके बाद इस चीज़ को करना है, फिर दूसरी चीज़ें. कुछ चीज़ें होती हैं प्रायोरिटाइज करने की, कि काम कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं उनको सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है. कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो और अर्जेंट हो? बैंक डेट अगर निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल टू स्कूल जाना होता है, ड्रॉपिंग द किड्स टू स्कूल, बिल्स पे करना, ठीक है, और एग्जाम्स, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, कि ये काम इम्पॉर्टेंट भी और ये काम अर्जेंट भी है, तो इसको फर्स्ट बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है. सो द फर्स्ट थिंग यू डू लाइक जब उठते हैं आप मॉर्निंग में, तो ये करना आपको बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम ये होगा, गोइंग टू वर्क एवरी डे, तो आपके लिए काम इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, कि आपको जाना है काम पे और टाइम पे पहुंचना है काम पे. लेट होंगे तो पे कट सकती है या आपको रेप्रिमांड किया जा सकता है इस चीज़ पे. इफ़ इट्स योर ओन बिजनेस तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स होती है. हाँ, फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आप लोगों के केस में, सिंस यू गाइस आर इन रिकवरी नाउ, व्हाट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट थिंग टू डू एवरी सिंगल डे? फॉलोअप्स, ठीक है, और वेक अप अर्ली, वॉक. अच्छा, वो अर्जेंट नहीं होगा, कंसल्टिंग योर काउंसलर्स, वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर होगा बट वो अर्जेंट नहीं होगा. अर्जेंट वो है कि जो अभी नेक्स्ट मिनट में करने की ज़रूरत है, वो अर्जेंट चीज़ होगी. जब आप अगर सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते साथ ही एक अर्जेंट काम ये होगा कि यू हैव टू हैव ब्रेकफस्ट, नाश्ता करना, उस टाइम पे आपके लिए एक अर्जेंट काम होगा कि वो करना है तो दिन चलेगा,
शाम के वक्त आपके लिए एक अर्जेंट काम ये हो सकता है, आपने अपनी मेडिसिन खानी ऑन टाइम, इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, नहीं खाएंगे तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी जो मेडिसिन की चल रही होती है। तो किसी भी तरीके से रद्दोबदल नहीं करना टाइम में, या उसकी जो मिकदार है फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई आपने चेंज नहीं लेके आना। तो कुछ काम होंगे जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट होते हैं तो ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। फिर कुछ काम होते हैं जो इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। कैसे ऐसे काम हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते? किसी से मिलना इम्पॉर्टेंट ज़रूर है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अनलेस के इमरजेंसी है फिर अर्जेंट हो जाएगा, वरना इट्स नॉट अर्जेंट। आप किसी को टाइम देते हैं कि शाम में आपसे मिल लूँगा तो फिर आप शाम में उनसे मिलते हैं। क्रेविंग मैनेजमेंट में ज़रूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये नीड जो है अभी अर्जेंट नीड नहीं है, इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि ये मुझे तंग कर रही है चीज़, बट इट्स नॉट अर्जेंट कि राइट अवे मैं इस चीज़ को काम करूँ। अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कौन से काम होंगे जो इम्पॉर्टेंट नहीं और अर्जेंट हैं करने वाले हैं? रात के 3 बजे फ़ोन कॉल आ रही हो, ठीक है अर्जेंट हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है कोई, बिल्कुल। गाड़ी में फ्यूल डलवाना, इफ़ योर कार इज रनिंग लो वो तो फिर इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों में आ जाएगा। गाड़ी नहीं चलेगी फ्यूल नहीं होगा तो इम्पॉर्टेंट है वो? हाँ अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ ये उस चीज़ में आएगा कि इट्स इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट अर्जेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट अर्जेंट। अर्जेंट वो चीज़ होगी जो अभी खड़े हुए अगले कोई 1 घंटे में आपने करनी है, कोई क्राइसिस को मैनेज करना उस टाइम पे अर्जेंट हो जाएगा। उस टाइम पे पेशेंट की हैप्पीनेस को देखना मे बी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उस टाइम। देखिए अगर आपका क्लाइंट है तो आई वुड सजेस्ट कि हर क्लाइंट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। जैसे मैं बात की क्राइसिस की, जब पेशेंट्स यहाँ पे कोई क्राइसिस क्रिएट करते हैं, बहुत वर्बली या फिजिकली अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी उस टाइम पे अर्जेंसी होती है टू हैंडल दैट क्राइसिस। हमारी उस टाइम पे इम्पॉर्टेंस उनकी खुशी में नहीं होती, हमारी उस टाइम पे ये नहीं हम देख रहे होते कि ये खुश होंगे या क्या होगा। उस टाइम पे हमारा काम ये होता है कि उस क्राइसिस को मैनेज करना है। अब गाड़ी आपकी अगर ख़राब हो गई है या बंद हो रही है और समथिंग्स हैपनिंग, इंजन सीज हो रहा है, सो दैट्स अर्जेंट, काम फौरन करना है। लेकिन अगर आपका एक शीशा नहीं चल रहा है तो वो यानी कि इतना अर्जेंट काम नहीं है, बाद में भी हो सकता है। तो फिर आते हैं आखिरी चीज़ पे, जो काम ना तो अर्जेंट होते हैं ना ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, थिंग्स जो आप कभी भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। शॉपिंग, टीवी बाद में देख सकते हैं, बिल्कुल। कौन सा ऐसा काम जो अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है एकदम से और ना ही वो है यानी कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी काम है? नहीं, रूमिनेशन तो आप तभी कह रहे होते ना जब आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी होती है या आपने उस चीज़ को अर्जेंट बनाया होता है, बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं ना। उसको हल करने का तरीका ये हो सकता है कि अपने आप को ये बता दें कि ये ना तो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। लेकिन कुछ ऐसे काम जो ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है वो ये है कि शॉपिंग, जैसे मिस नायाब ने कहा और हंसला साहब, हर रोज़ इम्पॉर्टेंट होता है शावर लेना, बेसिक हाइजीन होती है हमारी, नैप लेना, नैप कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स, ना तो इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, लेजर एक्टिविटी है। तो जब आपकी कुछ लेजर एक्टिविटीज़ होंगी ना, वो ना तो इम्पॉर्टेंट होंगी ना अर्जेंट होंगी, वो आप जब आपके पास टाइम होगा वो कर सकते हैं। क्या क्या हो सकती हैं लेजर एक्टिविटी? वॉचिंग अ मूवी, ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन ही देखनी है मूवी, वेकेशन, यूजिंग सेल फोन, सोशल मीडिया। अच्छा, उस देखना पड़ेगा उस टाइम पे कि कॉल अगर ज़रूरी है तो फिर आपको लेनी पड़ेगी कॉल, बट देन उसका तरीका ये होता है कि यू पुल ओवर एट द साइड, खड़ी करके फिर आप बात सुनते हैं, फिर दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं करते। क्योंकि कभी कभार अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आपका कोई लव्ड वन हॉस्पिटल में और आप गाड़ी चला रहे हो, आपको कॉल आती है घर से घर वालों की, तो आपको सुननी पड़ती है, यू हैव टू लिसन कि कोई इशू ना हो गया, तो उस टाइम पे वो कॉल आपके लिए अर्जेंट हो जाएगी सुनना, तो फिर साइड पे गाड़ी खड़ी करके आप सुन सकते हैं। तो प्रायोरिटाइज वाइजली, बहुत ज़रूरी है जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम है उनको सबसे ऊपर रखना है, फिर जो अर्जेंट हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर वो करते हैं, फिर इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, और लास्टली वो जो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। ठीक, समझ आए इन दोनों चीज़ों की? कोई क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड? फिर आगे बढ़ते हैं। लर्न टू डेलीगेट, कैसे हम डेलीगेट कर सकते? टू असाइन अ टास्क टू समवन,
कोई आपका काम है, कोई मेजर काम है तो उसको डेलीगेट कर देना, सबऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर देते हैं. आप हायर करते हैं ना स्पेशल लोग, लैब असिस्टेंट्स, नर्सेस, एसोसिएट्स, पर्सनल असिस्टेंट्स, उनको हायर करते हैं, मैनेजर्स. सारा काम आप खुद नहीं कर रहे होते इफ यू आर रनिंग अ कंपनी, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं दे आर अबाउट पीपल हु आर एट एन एग्जीक्यूटिव लेवल, सीईओज हैं अपने कंपनीज के. अगर तो आगे से डेलीगेट करना, लेकिन ये घर में रहते हुए भी डेलीगेट हो सकती हैं चीजें. कैसे? हर किसी की ड्यूटी लगा सकती हैं कि तुमने पौधों को पानी देना है, तुमने आज मेरे साथ खाना बनाना है, तुमने अपना कमरा सेट करना है, या इस टाइप की चीजें कर सकते हैं ना, इस तरह डेलीगेट कर सकते हैं. फैमिली मेंबर्स को डेलीगेट कर सकते हैं काम. डेलीगेशन से हेल्प क्या होगी हमें? अगर हम काम डेलीगेट कर देंगे तो क्या हमें काम का बोझ हल्का हो जाएगा, हम इतना स्ट्रेस नहीं लेंगे, टाइम भी बचेगा टू डू थिंग्स जो हमें खुद करने वाले जो काम है वो उसके लिए. अगर हम पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ले लें कि ऑफिस भी मैंने जाना है, घर आके खाना भी मैंने पकाना है, घर की सफाई भी मैंने करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, I won't be able to do it. मैं बहुत अंडर स्ट्रेस आ जाऊंगी. मेरे से सारे 24 आवर्स में नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ें. अगर आई एम स्पेंडिंग 10 आवर्स एट वर्क, फिर मैंने 8 आवर्स अपनी नींद के लिए भी निकालने, तो मेरे पास जो पीछे छोटा सा बचता है उसमें ये सारे काम नहीं हो सकते. लेकिन एक तरीका उसको प्रायोरिटाइज करने का ये हो सकता है कि खाना सुबह पिछली रात को बना लें अगले दिन के लिए, और यू कैन हायर क्लीनिंग स्टाफ जो आपके घर आके साफ कर दें, या इस टाइप की चीज़ें. कंपनीज में ऐसे होता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया आपके पास, तो सारा प्रोजेक्ट आप खुद तो नहीं हैंडल करते ना, आप हर किसी को साइन कर देते हैं, जिस जिसकी जो एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से उनको साइन कर देते हैं ये चीज़ें कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है करने वाला. हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी होती है जो उन्होंने पूरी करनी होती. तो डेलीगेशन से हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और दूसरे लोग भी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, और सबको पता होता है कि उन्होंने काम करना है, और किसी पे भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता. ख़ास तौर पे हमारे अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता. अभी ख़ास तौर पे जब हम रिकवरी में जाएंगे तो हम इतना बर्डन नहीं कर पाएंगे मैनेज, क्योंकि हमारी स्ट्रेस इंटॉलरेंस होगी जो हमारे पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स हैं उसकी वजह से. तो अपने जो काम हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमने पूरी करनी है, उसके अलावा इफ़ पॉसिबल तो हम डेलीगेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, या वी कैन लेट अदर्स टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग. Discover your zones. One way is that energy levels is another. Productivity का भी time होता है. कुछ लोग रात के वक्त ज़्यादा productive होते हैं, कुछ लोग सुबह के वक्त ज़्यादा productive होते हैं, या कुछ लोग मिड डे में productive होते हैं. तो discover करें कि आप किस time around आपके energy levels इतने अच्छे होते हैं, आपकी mental state इतनी अच्छी होती है, आपकी वो एक किस्म की working zone होती है कि उसमें आप अपना काम कर सकते हैं. सो जो अपना सबसे important task है उस zone के अंदर स्केड्यूल कर दें, करके टाइमली सो रहे हैं ना तो वो भी ठीक है. नाइट से मेरा मतलब है शाम के वक्त. कुछ लोगों के एनर्जी लेवल्स शाम के वक्त ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं, कुछ लोगों के सुबह सुबह उठते साथ ही ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं. तो कुछ सुबह उठते साथ ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग फिर इवनिंग में ऑप्ट करते हैं एक्सरसाइज करने के आफ्टर ऑल डे, फिर कुछ खाया होता है, रिलैक्सड होते हैं थोड़ा सा, फिर जाके एक्सरसाइज करते हैं. तो अपनी जोन्स को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइम पे सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि उस टाइम में आप जो क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे काम की वो सबसे अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू वो टाइम जब आप अभी इतने रिलैक्स नहीं हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप थके हुए हैं, तब काम नहीं होगा. कभी जब हम फुल थके होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी की है किसी ने फुल थक के, तो पूरा दिन हम वेस्ट करते रहे हैं. आपने की हुई है, क्या निकला उसका रिजल्ट? चले वो तो ठीक है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ वो लोग जो पूरा दिन दूसरे काम करते रहते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, फिर रात को बैठ के असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं, तो आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता, आप बिल्कुल ही माउथ फुल होते हैं, यू आर नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग उस पॉइंट पर. आपके साथ ऐसे हुआ है? और फिर सफर क्या, यानी कि क्या कॉन्सिक्वेंस निकला उसका? कॉन्सिक्वेंस क्या निकला उसका? Could have been better, ना, फुल पोटेंशियल हमने फिर भी अपना रीच नहीं किया. तो अपनी जोन्स को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है. एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं कुछ? जब हमने काम करना होता है तो क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है? फेसबुक, सोशल मीडिया. सोशल मीडिया जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं या कोई काम करने के लिए बैठे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई आपने एक सर्कुलर लिखना है, या एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपने असाइनमेंट बनानी है, या प्रोजेक्ट पे काम करने हैं,
सोशल मीडिया आपका ऑन है, इट्स गोइंग ऑफ बार बार, कोई ना कोई किसी का मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आ रही है, फेसबुक पे आ रही है, स्नैपचैट पे आ रही है, फ़ौरन से पहले दिल ये कहते को पहले चेक करें, अपने काम को साइड पे छोड़ दें. करते करते होता ये है कि हम दो दो घंटे सोशल मीडिया पे लगा देते हैं टू टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, और जो काम होते हैं वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है. डिस्ट्रैक्शंस तो किसी भी चीज़ से आ सकती है ना, जो चीज़ आपको काम करने से रोकेगी वो डिस्ट्रैक्शन है. अब अगर आप ऐसे घर में या ऐसी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं जहाँ पे ढेर सारा शोर है, हर कोई अंदर बाहर जा रहा है, तो काम वो नहीं होगा. कॉफ़ी शॉप में बैठ के अगर आप काम कर रहे हैं और वो ऐसा टाइम सेंसिटिव काम है लेकिन हर कोई आता जाता आ रहा है जा रहा है, तो आपसे काम शायद ना हो पाए उस टाइम पे. डिस्ट्रैक्शन इतनी होंगी, आप किसी ना किसी को कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे, या आप किसी ना किसी को देख रहे होंगे, या आपको कोई फ्रेंड आपको मिल जाएगा उधर, फिर उस बैठ के बात करना शुरू कर देंगे. तो एक डेजिग्नेट कर दें जगह जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कि आप अपनी फुल 100% अटेंशन उस काम को दे सकें. और जब वो काम हो जाए, देन रिवॉर्ड योर सेल्फ विद सोशल मीडिया, या रिवॉर्ड योर सेल्फ विद वीडियो गेम, या इस तरह की कोई चीज़. लेकिन पहले काम करना बहुत ज़रूरी है, तो डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. कैसे कर सकते हैं हम डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट? एक तो हो गया कि सोशल मीडिया को हमने फ़ोन बंद करके साइड पे रख दिया या साइलेंट पे लगा दिया. लॉक द रूम, वर्क प्लेस डेजिग्नेट करके, बाउंड्रीज असर्ट करके. कैसे? वेरी गुड. टाइम बाउंड्री असर्ट कर सकते हैं हर किसी के साथ, कि मैं काम करने जा रहा हूँ, इस दौरान मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो आप लोगों से मैं चाहूँगा कि तावन करें मेरे साथ. एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट मी. टाइम लाइन फिक्स कर दें कि मुझे 5 घंटे लगेंगे इस काम को करने में, या मुझे 4 घंटे लगेंगे, तो इस 4 घंटे में मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. मैंने ये काम आज ही कम्प्लीट करना है और अच्छे तरीके से कम्प्लीट करना है. जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी तो आप इफेक्टिवली काम कर लेंगे जल्दी. डिस्ट्रैक्शंस होगी तो ये होगा कि आप 5-10 मिनट के लिए काम करेंगे, फिर आप कहीं चले जाएंगे, फिर वापस आके थोड़ा सा करेंगे, फिर चले जाएंगे. यू विल वेस्ट एन एंटायर डे इन दिस, या मे बी यू विल वेस्ट 2 डेज इन दिस. तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. मेजर क्या टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं हमारी डेली रूटीन में, आप लोगों के लिए मेजर टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें कौन सी हैं? आउटडोर पेशेंट्स के लिए जो सिर्फ शाम का सेशन है वो होता है, तो 3 आवर्स इधर, तकरीबन 8 आवर्स हो गए उसके. आपका बिजनेस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो जो मेजर चीज़ें हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, पहले उनको मेजर चंक्स को डिफाइन कर दें कि मैंने इस टाइम से इस टाइम में 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, 3 to 6 मैंने सेशन अटेंड करना है, उसके बाद मैंने इतने घंटे के लिए 1 घंटे के लिए वॉक करनी है, उसके बाद जो सुबह का सारा टाइम होता है उसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं. कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी आपके लिए प्री प्लान है ना, तो जो आपके पास अपना टाइम है सुबह का, उसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी रिकवरी में. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टास्क. किसको पता है उस टास्क का पूरा नाम, जो 10 टास्क हैं? टास्क नंबर 5 है टू रीअरेंज योर एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट रिकवरी. उसमें हम रूटीन बिल्डिंग करते हैं. तो रूटीन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है कि डिफ़ाइन कर लें किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे आपने सोना है, किस टाइम पे आपने नाश्ता करना है, किस टाइम पे आपका वर्कआउट है. ये सारा करने के बाद जो आपके पास फ्री टाइम है उसमें अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करें ऑफ द डे. मेजर जो चीज़ें जो आपने हर रोज़ करनी होती हैं वो तो सेम टाइम पर रहेंगी, लेकिन जो उसके अलावा है उसमें हर रोज़ कोई ना कोई डिफरेंस आ सकता है, कि किसी से मिलना है, कोई शॉपिंग पर जाना है, कोई ग्रोसरी करनी है. अब कुछ लोग वीकली करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं ग्रोसरीज़, तो वो भी डिफ़ाइन हो जाता है. तो इस चीज़ को करना, यानी कि देखना, रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है. टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने का एक रूल है विच इज़ कॉल्ड द 2-मिनट रूल, या 5-मिनट रूल भी होता है, कि इफ़ समथिंग कैन बी डन इन 5 मिनट्स या 2 मिनट्स और लेस. तो 2-मिनट रूल ये है कि अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसको उसी वक्त करना है, उसको डिले ना करें ज़्यादा. 2 मिनट में आपको कितना, यानी कि कुछ भी नहीं होगा. अगर ये काम जो है 2 मिनट में हो सकता है, अगर आपने कोई चीज़ करनी है जो 2 मिनट में हो सकती है, तो उसको कर लें 2 मिनट में. उसको प्रोलॉन्ग ना करें कि अगर इतने घंटों के बाद करूँगा या 5 बजे कर लूँगा. अगर वो अभी रहते हुए हो सकती है तो अभी करना है उसको. किसी को ईमेल्स पे रिप्लाई देना है, कोई अर्जेंट कॉल करनी है, कोई अपॉइंटमेंट लेनी है किसी चीज़ की, 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम.
यहाँ 5 मिनट लग जाएंगे। आपने कॉल करनी है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है। वो अक्सर कहा हम डिले कर देते हैं उसको, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि कुछ देर बाद कर लेते हैं, पहले मैं ये कर लेता हूँ फिर कर लूँगा अपॉइंटमेंट। अक्सर कहा ऐसे होता है भाई, याद ही नहीं रहता कि वो काम करना था, फिर अगला दिन जब आता है फिर याद आते हैं कि वो मैंने तो ये अपॉइंटमेंट बुक करनी थी। डिले पे डिले करते चले जाते हैं उसको लास्ट मिनट तक, और इस दौरान डिले करते करते प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हैं, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है 2 मिनट लगेंगे ना डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेने में, आपने उसको पुट ऑफ कर दिया कि मैं शाम को ले लूँगा अपॉइंटमेंट, यू फॉरगेट अबाउट इट, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, सो यू एंड अप गेटिंग इवन मोर सिक, सही। तो अगर आप 2 मिनट में कर सकते हैं उस काम को तो कर लें। प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का ये तरीका है। तो जब भी आपका ख्याल आए ना कि ये काम मैं बाद में कर लूँगा, तो पहले सोच लें कि क्या ये काम 2 मिनट में हो सकता है या उससे कम टाइम में, अगर हो सकता है उसको उसी वक्त कर लें। जैसे अभी यहाँ पे एक पेशेंट ने हमें एग्जांपल दी थी ड्रग्स के हवाले से या क्रेविंग्स के हवाले से, अगर आप क्रेविंग्स को डिले कर देंगे उसके बारे में प्रोक्रेस्टिनेट कर लेंगे तो दैट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि आप ड्रग नहीं करेंगे, आप क्रेविंग में गिव इन नहीं करेंगे उसी वक्त, आप कहते हैं ना अपने आपको इसको बाद में सोचूंगा, जो डिले की टेक्निक है क्रेविंग मैनेजमेंट की, 4 D's में से जो एक है डिले वाली, वो ये कहती है ना कि इसको बाद में सोचूंगा, मैं थोड़ी देर बाद सोच लूंगा, करते करते वो ख़त्म हो जाती है क्रेविंग्स, यू डोंट गिव इन। उस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेट कर लेना इज फाइन। जैसे कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि ख़राब हो रहा है, उस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेट कर लेना ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि ये काम करने से उसका एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, तो फिर उसको उसी वक्त कर लें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, उसको डिले ना करें। लेकिन जो फॉलोअप्स के हवाले से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर वो हार्मफुल है, फिर वो डेंजरस है आपके लिए। क्या आप अपने आप को कहते हैं कि चलो 3 बजे सेशन स्टार्ट होता है ना, तो 3 बजे नहीं मैं 4 बजे चला जाऊंगा, या थोड़ा सा लेट चला जाऊंगा, अभी तैयार होता हूँ, वो डेंजरस हो सकता है। तो पहले देखें, पिक एंड चूज करें कि किस चीज़ में, अगर तो पिक एंड देखें कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, प्लान अहेड वाली जो चीज़ है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखें कि उसका क्या फिर आगे निकलेगा, आंसर क्या निकलेगा। फिर है वेक अप अर्ली, वन ऑफ द वेज टू मैनेज टाइम। जल्दी उठेंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल दोपहर के 2 बजे उठ रहे हैं, सो नेचुरली यू हैव लेस टाइम टू डू थिंग्स, क्योंकि दुनिया जो है ज़्यादातर वो सो जाती है 9 बजे तक या 10 बजे तक, शॉप्स क्लोज हो जाती हैं 8 बजे, तो आपने जो काम करना है फिर अगर आप 2 बजे उठ रहे हैं, सो यू ओनली हैव 6 आवर्स टू डू थिंग्स। लेकिन अगर आप जल्दी उठेंगे, सुबह आपके जो करने वाले काम है वो कर लेंगे और टाइमली जाके चीज़ों को करेंगे, तो यू विल हैव मोर टाइम। फिर वो जो हमारा एक एक्सक्यूज़ है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 24 आवर्स भी हमारे लिए थोड़े पड़ जाते हैं, वो इसलिए थोड़े पड़ते हैं कि हम उसको मैनेज नहीं कर रहे होते सही से। तो फिर आपके पास टाइम कम हो गया ना, 24 आवर्स में से पहले आपने जो सारे घंटे थे वो तो वैसे ही ख़त्म हो गए, सोते हुए गुजार दिए। और एक और चीज़ ये भी होती है, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो फिर आप रात को भी टाइमली सोते हैं। अगर आप लेट उठेंगे तो आप नेचुरली लेट सोएंगे, क्योंकि आपकी जो स्लीप रिदम है उसने फिर उसी तरह काम करना है। फिर जब आप लेट सोएंगे तो वो एक रूटीन सी बन जाएगी कि हम रात को 2-3 बजे सो रहे हैं और फिर सुबह 2-2 बजे उठे। नो मल्टी टास्किंग इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ मैनेजिंग आवर टाइम। मल्टी टास्किंग की डेफिनेशन ये होती है कि आप अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन मल्टीपल थिंग्स को एट अ सिंगल टाइम दे रहे हो, और हर चीज़ को उसी झील से कर रहे हैं जो आप एक चीज़ को कर रहे हैं। सो हर चीज़ में आप उतना ही एफर्ट डाल रहे हैं, एक यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन हसन साहब, आप फिर भी एट एनी गिवन पॉइंट सिर्फ एक टास्क को ही कर रहे होते हैं, पैरेलल ज़रूर चल रहे होते हैं, बट एनी गिवन टाइम अटेंशन जो है आपकी वो एक ही टास्क पे होती है, वो 2 टास्क पे इकट्ठे नहीं होते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन ब्रेन टू डू इट। मल्टी एक्टिविटी तो हम नेचुरली अनकॉन्शियसली भी कर रहे होते हैं, वी आर वॉकिंग, वी आर ब्रीदिंग, वी आर सीइंग, वी आर लिसनिंग, ये मल्टी एक्टिविटी तो नेचुरली हो रही है। मल्टी टास्किंग ये होगी कि आप अपनी अटेंशन को डिवाइड कर दें 2-3 चीज़ों पर, तो उसमें ये होगा कि क्वालिटी गिरती चली जाएगी काम की। सो फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइव करते हुए फ़ोन पर टेक्स्ट कर रहे हैं, मल्टी टास्किंग के जुमरे में आता है, बट होता यह है कि आप डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग कर रहे हैं। अब आपको पता है वो DUI को जो है वो ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस नहीं कहते, अब वो उस चीज़ को कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। फोन्स भी उस चीज़ में आ गए हैं कि आप फ़ोन यूज़ करके ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसमें होते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आपकी नज़र रोड पर नहीं होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आगे आने वाली गाड़ी एकदम से ब्रेक कर देती है, आपकी ब्रेक लेट लगती है।
तो मल्टीटास्क नहीं करना, फोकस एट मल्टी एक्टिविटी तो सर नेचुरली हो रही होती है ना, हम जो चल रहे हैं, जो हमारी पूरी फिजीक है वो एक मल्टी एक्टिविटी है ना, मल्टीपल ऑर्गन्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, मल्टी टास्किंग ये है कि कॉन्शियसली दो चीज़ों को इकट्ठे करना वो पॉसिबल नहीं है. तो फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद दूसरे टास्क पे जाना वो बहुत ज़रूरी है. 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, वही जैसे हमने बात की रूटीन सेट करने की, कि एक सेट टाइम पे हम सोएंगे और अपनी नींद का ख्याल रखेंगे तो हम एनर्जाइज्ड भी होंगे, और हम जब सुबह टाइमली उठेंगे तो हम पूरे दिन में काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे. नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.